हेलो दोस्त, आज हम फिर लेकर आ गए हैं आप लोग के लिए मेंसुरेशन का चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए पार्ट फाइव लेकर। ठीक है ना, हम बता देना चाहते हैं कि हम क्लास टेन से रिलेटेड लगभग 150 से अधिक वीडियो डाल चुके हैं। आप लोग को वीडियो नहीं मिल रहा है तो मेरे फ़ोटो पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद बहुत सारा ऑप्शन आएगा तो प्लेलिस्ट में जाकर सब खोजिएगा तो सारा वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। फिर आप लोग अगर सूत्र याद नहीं है मैथ का तो पहले सूत्र याद करें, अगर सूत्र कैसे याद करना आसान तरीका से तो प्लेलिस्ट में जाकर खोजेगा तो सूत्र मिल जाएगा। और मॉडल सेट से हम सॉल्यूशन 2019 का 2020 का सभी सब्जेक्ट का दिए हैं। ठीक है ना, तो आप लोग मॉडल सेट सॉल्यूशन देखें जहाँ काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन हम दिए हैं। ठीक है, और चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो आप लोग आसानी से यहाँ तैयारी कर सकते हैं बिन ट्यूशन का भी, और अच्छा तरीका से तैयारी कर सकते हैं। आपको यहाँ सभी वीडियो क्लास 10 से 10th का अवेलेबल होगा और हुआ भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। आप लोग बुक निकाल लें क्योंकि बताए थे हम बुक का नाम क्या है, हाई स्कूल प्राथमिक गणित, इसको भारतीय भवन बोलते हैं। ठीक है ना, तो बुक निकाल लें आप लोग, यहाँ पर क्वेश्चन दिखाना संभव नहीं है, और आप लोग अगर स्टूडेंट है तो बुक रखना तो जा अनिवार्य है ही। चलो स्टार्ट करते हैं। एक धातु की खुली बाल्टी एक शंकु के छिन्नक के रूप में, छिन्नक अगर आप लोग नहीं समझते तो इससे पहले, जस्ट इससे पहले यानी पार्ट फोर में उसका हम बेसिक जानकारी दे दिए हैं, उससे संबंधित सूत्र का भी जानकारी दे दिए हैं, तो वो जरूर देखें, उसके बाद ये देखें तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ आएगा। ठीक है ना, छिन्नक क्या होता है, जैसे आप लोग बाल्टी है, बाल्टी होता है छिन्नक का आकार का होता है, गिलास है तो गिलास छिन्नक आकार का होता है, जो आप लोग देखे होंगे लट्ठा कूरी में जो कूरी होता है इसे पानी भर के हम लोग क्या करते हैं खेत को पटाते हैं, वो भी क्या होता है छिन्नक आकार का होता है। ठीक है ना, छिन्नक कैसे बनता है, तो शंकु को उसके आधार के समांतर लंबवत जब हम काट देते हैं तो छिन्नक का निर्माण होता है। ठीक है ना, चलो तो इतना बता दिया। अब बोरा 35 नंबर क्वेश्चन क्या, धातु की खुली बाल्टी एक शंकु के छिन्नक के रूप में, तो लोग एक बाल्टी बनाते हैं, ये हम बाल्टी बना रहे हैं और ये क्या है खुला है, यानी बाल्टी के ऊपर ढक्कन नहीं है, यानी कि बाल्टी के ऊपर ढक्कन रख दिए, ढक्कन नहीं है। ठीक है ना, छिन्नक के रूप में जो उसी धातु के एक खोखले बेलनाकार आधार पर जुड़ी हुई है, बोल रहा है जो उसी धातु के एक खोखले बेलनाकार आधार पर जुड़ी हुई है। जो आप लोग देखेंगे बाल्टी, तो बाल्टी को डार्ट इसी तरह प्लेन में नहीं रख देते, बाल्टी को रखने के लिए यहाँ पर कुछ आकृति होता है बेलनाकार होता है। ठीक है ना, तो वही बोल रहा है कि यहाँ पर जो है एक बेलनाकार आकृति है जिस पर क्या है बाल्टी रखा हुआ है, बेलनाकार आकृति इस पर क्या है बाल्टी रखा हुआ है। ठीक है ना, इस प्रकार बेलनाकार आकृति होता है, इस पर क्या है बाल्टी रखा हुआ था, यानी बाल्टी जुड़ा हुआ रहता है, बाल्टी को रखने के लिए इस प्रकार होता है। ठीक है ना, अब बोल रहा है कि बाल्टी के दोनों वृत्तीय सिरों के व्यास 45 और 25 सेंटीमीटर है। अब बोल रहा है कि यहाँ पर एक ठोर वृत्त बन रहा है, एक वृत्त यहाँ बन रहा है, और जितना वृत्त बड़ा वृत्त यहाँ होगा उतना बड़ा वृत्त यहाँ होगा, जैसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों का आधार लगभग सेम है। ठीक है ना, तो बताओ 45 हम ये लें कि 45 ये लें, तो जो बड़ा वृत्त होगा उसका व्यास बड़ा होगा, तो ये मेरा होगा 45, कितना होगा 45। ठीक है ना, 45, और ये मेरा कितना होगा इसका व्यास, तो कितना बोला 25, तो ये होगा 25। ये व्यास को हम बोले हैं D1 और ये व्यास को बोल दो D2, तो D1 बराबर मेरा हो गया है 45 सेंटीमीटर, तो R1 क्या होगा इसका आधा, यानी 45 का आधा यानी 22.5 सेंटीमीटर भाग देंगे तो इतना आएगा। D2 बराबर कितना था 25 सेंटीमीटर, तो R2 बराबर क्या होगा, तो R2 इसका आधा, क्योंकि त्रिज्या व्यास का आधा होता है, भाग देंगे तो 12.5 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है आगे पढ़ते हैं। बाल्टी के कुल उद्गर ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, बाल्टी का कुल ऊंचाई यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक बाल्टी का कुल ऊंचाई कितना है 40 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक बाल्टी का कुल ऊंचाई कितना है 40 सेंटीमीटर है, एवं बेलनाकार आधार, यानी बेलनाकार आधार ये मेरा है, यही ना मेरा बेलनाकार आधार, इतना बेलनाकार आधार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बेलनाकार आधार है इसका ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर, कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। तो बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक कितना ऊंचाई होगा, तो पूरा था मेरा यहाँ से यहाँ तक 40, इतना है 6, तो 40 में 6 जाएगा तो आएगा 34, क्या आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आएगा 34 सेंटीमीटर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। और यहाँ से जो पेंदी से लेके यहाँ तक जो है ये क्या है छिन्नक है, इधर क्या है बेलनाकार है, तो छिन्नक की ऊंचाई हो गया 34 सेंटीमीटर।
तो जो दिया है लिख देते हैं, बर्तन, बाल्टी, बाल्टी की कुल ऊंचाई, बाल्टी की कुल ऊंचाई कितना है? 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और बेलनाकार आधार की ऊंचाई कितना है? तो बेलनाकार आधार की ऊंचाई है, बेलनाकार आधार की ऊंचाई, तो बेलनाकार आधार की ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। तो छिन्नक की ऊंचाई क्या होगा? छिन्नक यानी बेलन को, बेलनाकार आधार जो है उसको छोड़ देंगे तो होगा छिन्नक। तो छिन्नक की ऊंचाई क्या होगा? तो हमको क्या करना पड़ेगा, 40 में से 6 को माइनस करना पड़ेगा। तो 40 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 34 सेंटीमीटर। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इतना प्रश्न में दिया हुआ था। अब क्या बोल रहा है, बाल्टी बनाने में लगे धातु के चादर का क्षेत्रफल, यानी बाल्टी जो बनाए थे तो धातु से बनता है, चाहे वो लोहा का चादर हो या टीना का चादर हो या एल्यूमिनियम का हो, तो चादर से बनता है, चादर ओढ़ने वाला नहीं, वही टीना लोहा का जो चादर होता है जिसको हम पीट पीट के पतला करते हैं, ठीक है ना, वो वाला चादरे का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखो जब बाल्टी को हम देखेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ तो कोई ढक्कन नहीं है, तो यहाँ तो कोई यहाँ पर तो कोई चदरा नहीं होगा, ये एक दीवार होगा। क्या होगा? बाल्टी का ये दीवार होगा। तो दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र परिक्षेत्रफल। दीवार के क्षेत्रफल को बोलते हैं वक्र परिक्षेत्रफल। ये छिन्नक का दीवार हो गया, यहाँ तक, यहाँ तक क्या आ गया? छिन्नक का दीवार, ठीक है ना। बाल्टी यहाँ तक क्या आ गया? छिन्नक का दीवार। अब नीचे बढ़ते हैं, नीचे में देखें तो ये क्या है? बेलनाकार। कैसा है? बेलनाकार। तो इसका भी दीवार क्या है? चदरा से बना हुआ है। इसका भी दीवार क्या है? चदरा से बना हुआ है। तो फिर क्या होगा? बेलन के वक्री क्षेत्रफल जोड़ेंगे। अब यहाँ ध्यान दो, पानी को यहाँ डालेंगे तो पानी यहाँ पर आएगा, डायरेक्ट यहाँ आएगा, यहाँ से बह तो नहीं जाएगा, यहाँ जो है इस प्रकार एक क्या है, बीटा का चदरा लगा होगा जो पानी को रोक के रखेगा। बाल्टी में ऐसा नहीं कि डालते तो बह जाता है, तो फिर इस बीटा का चदरा को भी जोड़ना पड़ेगा क्षेत्रफल में। इतना समझ गए? तो ईजी है, ठीक है। तो बाल्टी डाट हम लिखते हैं कुल, कुल चदरा का क्षेत्रफल, तो कुल चदरा का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? छिन्नक का वक्र क्षेत्रफल, बता चुके हैं कैसे, क्योंकि दीवार सिर्फ ले रहे हैं। छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोर, जोर क्या? बेलन का वक्र क्षेत्रफल, क्योंकि बेलन का भी सिर्फ दीवार ले रहे हैं, यहाँ तो कोई ढक्कन उक्कन है नहीं, नीचे में सिर्फ है पेंदी जो उसका लेंगे बाद में। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में अंतर होता है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है सिर्फ दीवार का क्षेत्रफल, और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होता है, दीवार का क्षेत्रफल लेंगे ही साथ में पेंदी का भी क्षेत्रफल लेंगे, और अगर ऊपर ढक्कन है तो ढक्कन का भी क्षेत्रफल लेंगे, तो वो होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, समझे। उसके बाद यहाँ तो नीचे पेंदी है, तो पेंदी कैसा है? वृत्ताकार, ठीक है ना। तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है बेलन का? तो वृत्ताकार। इतना करेंगे तो बाल्टी बनाने में जितना चदरा लगा था उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाले बात है कि छिन्नक का वक्र क्षेत्रफल हम कल बताए थे क्या होता है, पाई एल इंटू आर वन प्लस आर टू। तो मेरे पास तो आर वन भी है, मेरे पास तो आर टू भी है, लेकिन छिन्नक का वक्र क्षेत्रफल बताए थे पाई एल इंटू आर वन प्लस आर टू। तो एल भी आया था, लेकिन मेरे पास क्या एल है? एल पता नहीं है। एच भी पता है, लेकिन एल पता नहीं है। तो एल क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो एल कैसे निकालेंगे? तो हम बताए थे कल कि शंकु में एल आर और एच के बीच अलग संबंध होता है। शंकु में क्या होता है? शंकु में होता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लेकिन छिन्नक का बात करेंगे तो छिन्नक में क्या होता है? छिन्नक में होता है, अगर हम एल को यहाँ छोड़ दें, स्क्वायर द्वारा जाएगा तो क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हो गया शंकु में। किसमें हो गया? शंकु में। लेकिन छिन्नक का बात करें तो छिन्नक में होता है इस तरह, एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर, ये छिन्नक में होता है। और कल वाला वीडियो नहीं देखे तो पार्ट फोर जरूर देखें, उसके बाद अच्छी तरह समझ आएगा, ठीक है ना। तो हमको पहले एल निकालना पड़ेगा, चलो एल निकालते हैं। एल हम निकाल रहे हैं तो एल एच, एच यानी किसका आकार है? छिन्नक का हम निकाल रहे वक्त, छिन्नक का हम निकाल रहे तिरेक ऊंचाई। तो छिन्नक की ऊंचाई कितना था? टोटल था 40, 40 में 6 बेलन था, तो 34 किसका होगा? छिन्नक की ऊंचाई। तो छिन्नक की ऊंचाई यहाँ लिखें, स्क्वायर का स्क्वायर। आर वन, आर वन कितना था अभी? 22.5 था। और आर टू कितना था? 25 के आधा 12.5 था। और इसका स्क्वायर का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर करो, 34 के हम लोग जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1156, 1156। और 12
22.5 में से 12.5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 10, और स्क्वायर का स्क्वायर। अब सॉल्व करो तो 1156 प्लस 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, जोड़ दो तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 1256। अब इसका आप लोग बर्मूल निकालने जानते होंगे, बर्मूल इस तरह निकालता है, दोनों का जोड़ा लगाता है पीछे से और निकालते हैं तो 3 तिहाई 9 बारह में सौ में जाएगा 3, और यहाँ जोड़ के लिखते हैं अब 5 6 का 5 6। अब 3 बार में खिलाएं, आप कितना बार में खिलाएं, जितना बार में यहाँ पर खिलाएंगे उतना बार में गुनाह भी करते हैं आप लोग, बर्मूल जानते हैं, बर्मूल हम जाने सिखा रहे हैं, तो 5 बार में करेंगे आप लोग तो 25 6 25 30 यानी 32, 6 में 5 गया 1, 5 में 2 गया 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, 5 बार में खिलाएं तो इस प्रकार जब आगे जाएंगे आप लोग तो 35.44 तो एल का मान आएगा 35.44, ठीक है ना। जब इस तरह बर्मूल आगे निकालेंगे तो यहाँ हम बर्मूल नहीं सिखा रहे हैं, बर्मूल को आप लोग को जानना जरूरी है, तो हम बता दें सिर्फ इस तरह निकालना है, तेल बराबर कितना का 35.44 आएगा। अब इसमें बैठा देना है तो छिन्नक का, चलो अब बनाते हैं छिन्नक का वक्र परिच्छेद पर। छिन्नक का वक्र परिच्छेद बताए थे हम क्या कल, पाई एल इंटू आर वन प्लस आर टू। बेलन का वक्र परिच्छेद आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो कैसे याद, फोटो पर क्लिक करें, प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ मिल जाएगा कैसे याद करना आप लोग को आसान तरीका से। तो बेलन का परिच्छेद क्या होता है 2πRh। अच्छा यहाँ आर वन के आर टू लिखें तो बेलन कहाँ था, देखो बेलन का आकृति कहाँ था, नीचे था, तो नीचे ऊपर वाला माने थे आर वन, नीचे वाला क्या माने थे आर टू, तो बेलन नीचे इसलिए यहाँ पे आर टू, ठीक है ना। उसके बाद बेलन का आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार जितना त्रिज्या इसका उतना त्रिज्या इसका, ये आर टू तो ये भी आर टू, तो ये आधार कैसा है वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। टू क्यों दिए, क्योंकि ये आर वन तो ये आर टू। अब क्या करते हैं पाई सभी में, तो पाई कॉमन ले लेते हैं, अब सिर्फ सोल्व करना है, कुछ नहीं है, जितना करना था उतना कर दिए, पाई कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा एल इंटू आर वन जोर आर टू, यहाँ पर पाई बाहर निकल जाएगा तो आएगा टू पाई का, पाई तो बाहर निकाल लिए तो पाई बाहर निकल जाए तो बचेगा आर टू इंटू एच, फिर यहाँ पाई बाहर निकल गया तो बचा आर टू का होल स्क्वायर। इतना सोल्व करो तो पाई का मान रखो, पाई का मान कितना बैठ सकता 7, एल एल कितना निकाले थे हम 35.44, आर वन, आर वन कितना था 22.5 प्लस आर टू, आर टू कितना था 12.5 प्लस 2 का 2, आर टू, आर टू कितना 12.5। अगर h, h कितना तो बेलन की ऊंचाई, ये किसका ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना 6 प्लस आर टू, आर टू कितना 12.5 स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब सिर्फ सोल्व करना है, अब यहाँ पर 22/7 का 22/7 सोल्व करो तो 35.4 का 35.44 इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 22 में इसको जोड़ेंगे तो 35 होगा, तो 35 लिखो 23/12 35, ठीक है। और इसको गुना करो 2×12.5×6 तो 2×12.5×6 करो तो गुना करो, देखो 12.5×2 करेंगे तो होगा 25, 25 होगा क्या होगा 150, तो ये हो गया 150 प्लस 12.5 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो बराबर यहाँ कितना था 44 से होता है 144 होता है, 144 से ये ज़्यादा आएगा तो 144 से ज़्यादा आएगा यानी 156.25 आएगा, ठीक है ना, इतना आ गया। अब इसको सोल्व सिर्फ करना है, कुछ नहीं करना है, 22/7 का 22/7। अब 35.44×35 करो, इतना तो कर सकते हैं स्टूडेंट है तो सिर्फ बैठ के रहना, वीडियो नहीं देखना है, गुना करो, ठीक है ना। तो देखो 35×35 करेंगे तो होगा कितना 1225 होगा, तो यहाँ पर 1225 से ज़्यादा आना चाहिए गुना करने पर, क्योंकि 0.44 भी है तो गुना करेंगे इसको तो आएगा यहाँ पर लिख रहे हैं आएगा 1225 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 0.44 के कारण ज़्यादा आएगा, कितना ज़्यादा आएगा तो 1240.40 आएगा, ठीक है। और जितना ये था 150 का 150 और 156.25 का 156.25। अब इसको सोल्व कर दो, सबको जोड़ दो, जितना है सबको जोड़ो, 10 का जोड़ जानते होंगे आप, जानते हैं ना, नहीं जानते तो बता दें क्या, चलो बता देते हैं, यहाँ 1240.40 का 40 150, 10 मतलब इस यहाँ नहीं है तो 10 मतलब बाद में मान लेना है, तो
और दशमलव सब सामने लिखते हैं जोड़ करने के, तो 150, फिर 156 का दशमलव का पहले दशमलव लिखो, दशमलव के इधर 25 है, इधर 25 दो, दशमलव के इधर है 156, 156 लिखो, 5 4 2 6 65 हुआ है। और यहाँ पर पॉइंट का पॉइंट, 6 का 6, 5 5 10 4 14, 14 का 4, फिर यहाँ पर 2 1 3 1 4, 4 1 5 और 1 का 1, कितना रहा, 1546.65। अब इसमें क्या करना है, यहाँ 22/7 है तो 22/7 गुना में है, क्योंकि ब्रैकेट हटेगा तो गुना आएगा। अब इसको सॉल्व करना है, इतना तो आप लोग सॉल्व अब करना है, आप लोग को ये सॉल्व करना है। तो पहले 1546.65 में 22 से गुना करना है, फिर 7 से भागा करना है, ठीक है ना। तो 22 से जब इसमें हम गुना करेंगे तो आएगा 34026.30, ये गुना कर लो, हम पहले से गुना करके रखे हैं, ठीक है ना। और 7 का 7, अब सब 7 से इसमें भाग देंगे तो आएगा 4860.9, और क्षेत्रफल को हम लिखते हैं स्क्वायर में, सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हुआ चदरा बाल्टी को बनाने में लगा हुआ चदरा का कुल क्षेत्रफल। अब पूछ रहा आयतन, तो चलो आयतन में चलते हैं। तो ये थोड़ा इसका कैलकुलेशन जटिल था, तो आप लोग आराम से इसका कैलकुलेशन करें देखने के बाद, फिर अब वही क्वेश्चन में पूछ रहा है बाल्टी का आयतन। तो बाल्टी का आयतन, तो बाल्टी कैसा था, छिन्नक का आकार का बाल्टी का आयतन। बाल्टी का आयतन मतलब क्या हुआ कि ये बाल्टी जो है, ये बाल्टी जो था इसमें कितना पानी अटेगा, या कोई भी सामान को रखेंगे तो कितना अटेगा उसका आयतन बताना है। तो ये कैसा है बाल्टी, कैसा है छिन्नक, तो छिन्नक का आयतन लिखेंगे। छिन्नक का आयतन हम कल ही बता चुके हैं, और कैसे बताए थे ये भी बता चुके हैं। तो जो कल वाला वीडियो नहीं देखा, यानी पार्ट 4 नहीं देखा, वो जाके जरूर देखें। छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन बराबर क्या होता है, बताए थे 1/3 पाई एच का पाई एच, आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर प्लस आर वन इंटू आर टू, यही बताए थे ना। सिर्फ इसी को सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो 1/3 का 1/3 पाई का मान कितना, 22/7। छिन्नक का ऊंचाई, यानी कि बाल्टी का पूरा ऊंचाई 40 ले लीजिएगा, छिन्नक का ऊंचाई कितना निकाले थे, 34। आर वन कितना था, 22.5 स्क्वायर का स्क्वायर। आर टू कितना निकाले थे, 12.5 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस आर वन कितना, 22.5 इंटू आर टू कितना, 12.5। इसको सर को अब इसको क्या, इसमें कुछ नहीं करना है, इसका सिर्फ आप लोग को कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करो तो 1/3 का 1/3, 22/7 का 22/7, 34 का 34, कट नहीं रहा इसलिए, और 22.5 का स्क्वायर कहेंगे तो 22 का स्क्वायर करते तो आता कितना, 484, यानी 484 से इसका मान ज़्यादा आना चाहिए, तो इसका मान आएगा 506.25, इतना आएगा। 12 का स्क्वायर करते तो आता है 144, यानी 144 का से इसका मान ज़्यादा आना चाहिए, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 156.25, और जब ये दोनों गुना करेंगे तो आएगा 281.25। यहाँ हम गुना नहीं करेंगे, गुना करेंगे तो एक ही, देखो ये सिर्फ अभी एक ही मैथ बता रहा है, 18 मिनट पार हो गया है, तो गुना हम पहले से किए हैं, तो आप लोग गुना करें, आप लोग स्टूडेंट है तो गुना ही करना ही है। ऐसे सॉल्व करो तो 1/3 का 1/3, 22/7 का 22/7, 34 का 34, कट नहीं रहा है, इसे काट देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। और सबको जोड़ दो, दशमलव का जोड़ आप लोग बताए थे 25, दशमलव के बाद यहाँ 25 है, दशमलव के बाद यहाँ 25, दशमलव के बाद यहाँ 25, तो 25 25 25 कितना होगा, 75। दशमलव के बाद कितना होगा, 75। फिर 281, 156 है, 506 जोड़ो, तो जोड़ेंगे कितना आएगा, 943 इतना आएगा। अब क्या करना है, कुछ नहीं, 22 गुना 34 गुना इतना करना है, उसमें 7 * 21 से भाग देना है, तो 7 * 21 का 7 * 21 लिखे हैं, और इतना गुना इतना गुना इतना करो तो इतना गुना इतना गुना उतना करेंगे तो आएगा 7059.25, और भागा देंगे तो आएगा 33.62, और सब सेंटीमीटर में था तो इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, क्योंकि आयतन को लिखते हैं हम क्यू में। तो ये रहा आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन था, कल ही हम बोले थे कि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन थे सुन कर लेते आएंगे। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आराम से समझना है, आप लोग क्वेश्चन को पहले एक दो बार पढ़ लें। इसमें हम एक चीज़ मिस्टेक किया है, देखो यहाँ पर बोल रहा है क्या कि 35 बोरा लीटर में आंसर पूछ रहा है, ठीक है, लीटर में आंसर पूछ रहा है, तो
1000 सेंट इतना सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी यहाँ पर होगा इतना, यहाँ गुना में गलती हुआ है, जब इतना गुना इतना गुना इतना करेंगे तो यहाँ दशमलव यहाँ नहीं आएगा, ठीक है ना, दशमलव पार हो जाएगा, यानी दशमलव के बाद दो जीरो आएगा, दशमलव के बाद दो जीरो आएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अब क्या बोल रहा है कि इतना सेंटीमीटर मेरा क्यू हुआ। अब हम प्रश्न में बोल रहा है क्या, प्रश्न बोल रहा है कि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यू, यानी इसको लीटर में बदलना है, ठीक है ना। तो लीटर में बदलने क्या करेंगे, क्योंकि 1 लीटर में होता है 1000 सेंटीमीटर क्यू, तो 1000 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। जब 1000 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, 7059, और तीन अंक के बाद दशमलव, यानी पॉइंट यहाँ पर आएगा, क्योंकि 1 0 2 0 3 0 3 0 है, तो 3 अंक के बाद दशमलव 1 2 3, ये दशमलव नहीं यहाँ दशमलव है, 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर आएगा, और 2 5 का 2 5। अब इसमें किससे भाग देंगे तो आएगा 33.62 लीटर आंसर, 33.62 लीटर आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी आराम से समझो 36। उसके बाद 36 के बाद फिर थोड़ा इजी आना शुरू हो जाएगा कि सी शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, कोई शंकु है उसका ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, एक शंकु बनाते हैं, इसका ऊंचाई यानी यहाँ से लेकर यहाँ, इसका जो वृत्त का केंद्र है यहाँ तक, इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है, इसका ऊंचाई दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 30 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है आधार के समांतर एक तल के द्वारा उससे एक छोटा शंकु काट लिया गया है, ये आधार के समांतर एक शंकु काट लिए हैं, मान लो यहाँ से हम इसको क्या किए हैं, काट के अलग कर दिए हैं, यहाँ से ये मुंडी को इसको काट के अलग कर दिए हैं, ये क्या हो गया अलग, ठीक है, ये हो गया अलग, तो बचेगा क्या मेरे पास, बचेगा इस तरह, ये भाग बचेगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, यदि इसका आयतन दिए गए शंकु के आयतन का 1/27 भाग है, इसका जो आयतन है, ठीक है ना, कितना है, तो ये पूरा क्या आयतन, यानी ये जो शंकु है दिया हुआ, इसका आयतन निकाल लो और उसमें 1/27 से गुना कर दो, जितना आएगा उतना ही आयतन, ये छोटा वाला शंकु का आयतन है, यही बोल रहा है। तो बोल रहा है कि आधार के कितनी दूरी पर, दूरी ऊपर से परिच्छेद काटा गया है, यानी बोल रहा है कि ये आधार, ये क्या है आधार है, तो इससे कितना ऊंचाई पर, कितना ऊंचाई पर हम इस शंकु को काटे हैं, यही बताना है। तो देखो पहले क्या करेंगे, इससे पहले अभी हम एक इस तरह का एक मेथ बताएं, वहाँ पर जिस तरह हम समरूप का नियम लगाए थे उसी प्रकार यहाँ भी समरूप का नियम लगाएंगे, ठीक है ना। तो देखो अगर हम यहाँ से इसको मिला देते हैं तो ये क्या हो गया, कुल ऊंचाई हो गया है, और यहाँ पर एक बन रहा है क्या, वृत्त बन रहा है, तो इसको मानो R1, और एक वृत्त यहाँ बन रहा है तो ये त्रिज्या है, तो ये हो गया मेरा R2, ठीक है। अब देखो ये दोनों त्रिभुज, एक त्रिभुज देते हैं नाम ABC, और यहाँ नाम देते हैं ओ, यहाँ नाम दे देते हैं, और यहाँ नाम देते हैं DE, ठीक है ना, और यहाँ पर नाम दे देते हैं P। देखो ये त्रिभुज ध्यान देना, अच्छा समझो, APE त्रिभुज, APE ये वाला त्रिभुज, फिर बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज AOE C, त्रिभुज AOC समरूप होगा, किस समरूप होगा, तो ये ध्यान दो। देखो ये और ये समांतर है, समांतर है तो जितना कोण ये P होगा उतना कोण O होगा, जितना कोण ये E होगा उतना कोण ये C होगा, और देखो ये वाला कोण, ये कोण देखना है, त्रिभुज इस त्रिभुज में भी ये कोण आ रहा है, और ये बड़ा वाला त्रिभुज में भी ये कोण आ रहा है, तो दोनों में ये उभयनिष्ठ हो गया। इस प्रकार दोनों त्रिभुज के सभी कोण, तीनों संगत कोण आपस में क्या हुआ, बराबर हुआ। जब भी दो त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर हो जाता है, सभी संगत कोण आपस में बराबर हो जाता है, तो दोनों त्रिभुज क्या होता है, आपस में समरूप होता है, इसलिए त्रिभुज APE समरूप त्रिभुज AOC होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से, कौन समरूपता के नियम से, तो एंगल एंगल एंगल, ठीक है ना, एंगल 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 के समरूपता के नियम से, यहाँ लिख देते हैं एंगल 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 समरूपता के नियम से त्रिभुज APE समरूप हुआ त्रिभुज AOC,
त्रिभुज ए ओ सी, क्यों? क्योंकि दोनों के संगत कोण आपस में बराबर हो गया। जब समरूप हो जाता है तो क्या होता है, उनका संगत भुजा के अनुपात भी समान होता है, संगत भुजा का अनुपात भी समान होता है। देखो संगत भुजा लेंगे तो पहले यह त्रिभुज कर लेते छोटा वाला त्रिभुज का, ठीक है ना, तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है ए पी, तो ए पी लिखो, ठीक है ए पी। और फिर अब बड़ा वाला त्रिभुज कर लेंगे भुजा, तो उसका संगत कौन होगा ए ओ, तो ए ओ लिखो। अब ये भुजा से कोई मतलब नहीं है इस, क्योंकि हम ऊंचाई और त्रिज्या से मतलब है, तो आर वन, तो इस भुजा का संगत क्या होगा ये आर टू, तो आर वन बटा आर टू, क्योंकि जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उनका भुजा जो है संगत भुजा अपने आप अनुपातिक और बराबर हो जाता है, अनुपातिक और बराबर हो गया। अब देखो क्या दिया हुआ है, दिया क्या गया है ये देखना है। इसका ऊंचाई को मान लेते हैं एच वन, ये छोटा वाला जो यहाँ से यहाँ तक है, और पूरा का ऊंचाई जो है ये, और पूरा ऊंचाई तो दिया गया है 30 सेंटीमीटर, चलो बैठाओ। ए पी को मान लिया ऊंचाई को एच वन, ए ओ पूरा ऊंचाई तो ये दिया गया है 30, और यहाँ आर वन का आर वन और आर टू का आर टू, ये आगे काम देगा, इसको रखो ठीक है, ये आगे काम देगा। अब क्या बोल रहा है, पहले हम ये बड़ा वाला शंकु का आयतन निकालते हैं, एक बार देख लो अच्छा वीडियो, नहीं समझ आए तो दो बार देखो, उसके बाद फिर एक बार अपने करने की कोशिश करो, जरूर होगा ठीक है। ये पूरा शंकु का आयतन निकालते हैं, क्यों? क्योंकि पूरा शंकु के आयतन का आयतन में अगर हमें 1/27 से भाग दे देते हैं तो ये छोटा वाला शंकु प्राप्त होता है, ये पूरा शंकु का आयतन निकाल लेंगे उसमें 1/27 से गुना करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, तो वही करना है। तो निकालो संपूर्ण शंकु का आयतन, तो क्या होगा 1/3 पाई r² है, संपूर्ण शंकु ले रहे हैं, संपूर्ण शंकु जब ले रहे हैं तो इसका त्रिज्या ये वाला होगा, यानी यहाँ r2 होगा तो यहाँ दे रहे हैं r2। अब इसका निकालेंगे तो क्या होगा 1/3 का 1/3 पाई का पाई, r2 कितना है नहीं पता तो r2 को छोड़ो, h पता है, संपूर्ण शंकु जब लेना तो h पता कितना है 30, तो 30 ले लेंगे। इसको सोल्व करेगा तो 10 बार में ख़त्म हो जाएगा, सोल्व करेंगे तो आएगा 10 पाई r² ये हो गया है। अब क्या करते हैं, अब इसका आयतन निकालते हैं, ये छोटा वाला टूट के यहाँ निकला था, जिसका त्रिज्या कितना माने थे हम आर वन, देखो आर वन माने थे, और इसका ऊंचाई को माने थे हम कितना एच वन, देखो जो यहाँ एच वन है ये एच वन माने थे, तो छोटे वाला शंकु का आयतन, छोटे वाला शंकु का आयतन 1/3 पाई, और छोटा वाला शंकु का त्रिज्या कितना माने थे आर वन, तो आर वन के स्क्वायर और एच, इसको माने थे एच वन ठीक है। अब सो अब यहाँ ध्यान देना है, तो छोटे वाला शंकु का जो आयतन है वो क्या है, तो बड़ा वाला शंकु का आयतन का, बड़ा वाला शंकु के आयतन का, जो क्वेश्चन में बोल रहा है क्वेश्चन में कि छोटे वाला शंकु का आयतन जो है वो है बड़ा वाला शंकु के आयतन का 1/27 भाग, तो 1/27 से जब गुणा करेंगे, इसमें जब हम 1/27 से गुणा करेंगे तो छोटे वाला शंकु का आयतन प्राप्त हो जाएगा, बराबर कितना 1/3 पाई r1² h1, इतना तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सोल्व करो इसको, जब सोल्व करेंगे तो यहाँ क्या होगा, पाई से ये पाई समाप्त हो जाएगा ठीक है। हमको निकालना क्या है, अब ये ध्यान देना है, तो निकालना क्या है, निकालना है h1, बोल रहा है कि छोटे वाला कितना दूरी में काटा गया है, कितना दूरी में काटा गया है ये बताना है, तुमको पहले निकालना है क्या, ये h1 निकालना है, तो h1 निकालेंगे तो क्या करेंगे, h1 को हम इधर ही छोड़ देते हैं, बाकी बात सबको इधर लेकर जाओ, तो ये 3 नीचे है तो इधर आने के बाद 3 कहाँ जाएगा 10 का 10 लिखो, और 3 4 कहाँ जाएगा ऊपर ठीक है, आर टू का आर टू, स्क्वायर का स्क्वायर लिखे, 27 नीचे है तो 27 नीचे लिख दिए, 10 का 10 लिखे हैं, और 3 इधर नीचे था 3 आ गया इधर ऊपर, 3 लिखे, आर टू का स्क्वायर का आर टू का स्क्वायर, 27 नीचे था 27 लिखे, सिर्फ h1 निकालना है, तो h1 को हमको इधर छोड़ना, बाकी सबको इधर लेकर आना है, तो ये r1 कहाँ ऊपर है तो इधर आएगा कहाँ हो जाएगा नीचे, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और देखो 3 नंबर 27 कट रहा है, तो h1 बराबर क्या आ रहा है, यहाँ पर ऊपर बच रहा है मेरा 10, और नीचे बच रहा है क्या 9, ऊपर है r2 का स्क्वायर और नीचे है r1 का स्क्वायर, यहाँ तो समझे। अब क्या कर, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 10/9 दोनों में स्क्वायर है तो कॉमन लेके हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, देखो हम एक अनुपात यहाँ निकाले थे r1 अनुपात r2, यहाँ ध्यान दो आप लोग थोड़ा ऊपर आओ,
आर वन अनुपात आर टू बराबर 30/h1, लेकिन यहाँ यहाँ आर वन ऊपर है, यहाँ आर टू नीचे है, और यहाँ पर देखो आर टू ऊपर है, आर वन नीचे है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ इसको हम पलट देते हैं, तो आर टू ऊपर कर देते हैं और आर वन नीचे कर देते हैं, तो जब इसको पलटती हैं, जब इसको पलट दिए तो इसको भी पलटना पड़ेगा, तो 30 ऊपर जाएगा और एच वन नीचे आएगा। क्यों पलटे? क्योंकि जो अब यहाँ जो हमको मान बैठाना है वहाँ आर टू बटा आर वन है, इसलिए आर टू बटा वन प्राप्त आर टू बटा आर वन प्राप्त करने के लिए हम पलट दिए हैं। तो आर टू बटा आर वन का मान कितना हो गया, 30/h1। तो हम आर टू बटा आर वन के यहाँ पर हम 30/h1 लिख सकते हैं। तो लिख दो 10 का 10, 9 का 9, यहाँ 30/h1 स्क्वायर का स्क्वायर बराबर एच। अब इसको सोल्व करेंगे तो 10 का 10, 9 का 9, 30 × 30 और एच वन का स्क्वायर। अब सोल्व करो इसको, तो देखो 3 से काट दो इसको 10 बार में, 300 काट दो 3 बार में, 300 से काटो 10 बार में, तो ऊपर क्या आ रहा है, यहाँ एच वन ऊपर आ रहा है 10 × 10 × 10, यानी 10 के पर पावर क्यूब। नीचे आ रहा है एच वन का स्क्वायर, तो नीचे एच वन का स्क्वायर है, तो बराबर के जब हम ये इस पार करेंगे तो ये एच वन का स्क्वायर था क्या होगा, गुना हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो गया, गुना हो गया। एच वन का स्क्वायर नीचे है, इसको बराबर के वो पार करेंगे तो यहाँ गुना हो जाएगा, देखो यहाँ आगे गुना हो गया है, ठीक है। तो प्राप्त क्या हो रहा है, इधर हो रहा है 10 क्यूब, तो 10 क्यूब, ठीक है। और इधर एच वन पर पावर 2, यहाँ पर कुछ पावर नहीं, यानी 1 पावर है, तो कितना पावर हो गया, 3 पावर। इधर भी पावर क्यू, इधर ही पावर क्यू खत्म हो गया है, तो एच वन बराबर आया कितना, एच वन बराबर 10। एच वन बराबर कितना आया, 10। एच वन किसको माने थे, एच वन हम माने थे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो एच वन बराबर 10। लेकिन पूछ रहा है कि कितना दूरी पर हम जा काटे हैं, तो जब यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है और यहाँ से लेके यहाँ तक 30 है, तो ये कितना बचेगा, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बचेगा, 20। यानी आधार से हम 20, आधार से हम मीटर में है क्या, सेंटीमीटर में है, तो आधार से हम 20 सेंटीमीटर की दूरी पर जाके शंकु को काटे थे, ये 10 आ गया तो ये बचेगा 20, यानी आधार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो आंसर क्या होगा, कितना दूरी पर जाके काटा है, ये नहीं पूछ रहा है, तो कितना दूरी पर जाके काटा है निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, अतः आधार से ऊंचाई, आधार से ऊंचाई, तो पूरा था कितना 30 और ऊपर में 10 काट दिए, तो आधार से कितना दूरी पर जाके काटे हैं, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यही रहा आंसर। ये सब थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, ये सब अगर एक बार समझ नहीं तो 2 बार देखें जरूर समझ आएगा, और 3रा बार अपने आप बन जाएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है ना, एक बार देख लें। फिर 2 क्वेश्चन में देखो 32 लगभग 33 मिनट पार हो गए, 33 मिनट पार ही हो गया 2 क्वेश्चन सिर्फ बनाने में, क्योंकि दमदार क्वेश्चन था, ठीक है ना। देखते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है कि एक बर्तन खोखले अर्धगोले के रूप का है, एक खोखला अर्धगोला बनाते हैं, ये खोखला अर्धगोला के, एक बर्तन खोखले अर्धगोले के रूप का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर एक खोखला बेलन जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पर एक बेलन भी बनाना पड़ेगा, और ये भी क्या है, खोखला, यानी बीच में भरा हुआ नहीं है, ठीक है ना। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, अर्धगोला का व्यास यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 14 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 14। जब यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 है तो ये क्या हो गया, व्यास हो गया, इसका त्रिज्या कितना होगा, 7 होगा, तो जब यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या होगा, 14 होगा, ठीक है ना, क्योंकि जितना बड़ा व्यास इसका उतना बड़ा व्यास इसका भी होगा, ठीक है। तो यहाँ दिया गया क्या है, व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या होगा 14 का आधा, यानी 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। और अर्धगोला का त्रिज्या जितना, अर्धगोला की त्रिज्या बराबर क्या होगा, बेलन की त्रिज्या, क्योंकि दोनों का आधार समान है, दोनों का आधार समान है, तो अर्धगोला की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या बराबर कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या बोल रहा है, एवं बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन कहाँ है, यहाँ से लेकर बर्तन कहाँ तक है, यहाँ तक है, तो बर्तन की कुल ऊंचाई कितना दिया हुआ है,
कुल ऊंचाई दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो बर्तन का भीतरी परिक्षेत्रफल ज्ञात करें, बर्तन का बोरा भीतरी परिक्षेत्रफल बताना है। तो पहले ये तो कुल ऊंचाई दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, और हमको निकालना है क्या बेलन की ऊंचाई, क्योंकि हम अगर बेलन का क्षेत्रफल निकालते हैं वह क्षेत्रफल तो क्या होता है 2πRh, तो उसमें h खोज रहा है, तो बेलन का ऊंचाई हमको निकालना पड़ेगा। तो बेलन की ऊंचाई यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा ये बताना है। तो ध्यान दो, ये पूरा है 14, तो यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 7, और त्रिज्या कोई भी दिशा में मापो, ठीक है ना, ये गोला है अर्धगोला है, तो त्रिज्या अर्धगोला में कोई भी दिशा में मापो, त्रिज्या हर जगह क्या होता है बराबर, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा 7 ही होगा, क्योंकि अर्धगोला है। फुटबॉल की कल्पना करो, फुटबॉल के अंदर में केंद्र एक जगह है, वहाँ से कहीं भी हम मापेंगे दूरी तो हर जगह क्या होगा समान, इधर मापो इधर मापो इधर मापो इधर मापो समान होगा, तो ये भी कितना होगा 7 होगा, जब यहाँ से यहाँ 7 है, ठीक है ना। अब पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है 13, तो ये कितना बचा 7 में 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 6, यानी बेलन की ऊंचाई हो गया 6 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई हो गया 6 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोल रहा है क्या अंदर का कुल परिक्षेत्रफल, जब यहाँ से हम देखेंगे, ठीक है ना, तो क्या दिखाई पड़ेगा, ये बेलन की दीवार दिखाई पड़ेगा, दीवार का मतलब क्या हुआ वक्र परिक्षेत्रफल, तो कुल आंतरिक अंदर ला पूछ रहा है, तो आंतरिक लिख रहा है, कुल आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। जब देखेंगे तो ये बेलन की दीवार दिखाई पड़ेगा, या तो ढक्कन है नहीं, ढक्कन तो है नहीं क्योंकि देख रहे हैं, तो ये बेलन की दीवार दिखाई पड़ेगा, तो दीवार क्या होता है वक्र क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोर, जब देखेंगे तो यहाँ भी ढक्कन नहीं है, अंदर देख रहे हैं आंतरिक क्षेत्रफल निकालते हैं, यहाँ भी ढक्कन नहीं है, ढक्कन नहीं है तो क्या दिखाई पड़ेगा, ये अर्धगोला का दीवार दिखाई पड़ेगा, दीवार दिखाई पड़ा, दीवार यानी वक्रित क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का भी वक्रित क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बस हो गया, बस इतना ही समझना था। तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh, और अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल होता है 2πR² होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर अब इसको क्या करें, 2π यहाँ भी है, 2π यहाँ भी है, 2π कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ, और यहाँ एक ठो आर है और यहाँ दो ठो आर है, तो आर भी कॉमन ले लेते हैं, तो 2 भी बाहर, पाई भी बाहर, आर भी बाहर, तो बचा एच, यहाँ 2 भी बाहर, पाई भी बाहर, और यहाँ पर एक ठो आर बाहर हुआ, तो एक ठो आर क्या हुआ बच जाएगा, ये हो गया। अब सॉल्व करो इसको, 2 का 2, पाई का मान कितना 22/7, आर का मान कितना 7 रखो, और एच, एच यानी बेलन की ऊंचाई, यानी कि पूरा ऊंचाई 13 ले लेना है, बेलन की ऊंचाई कितना निकालें 6, और आर 7 हो गया, 7 से 7 खत्म, 22 = 44, और 6 और 7, 6 + 7 कितना 13, और 44 × 13 कर दो, तो 44 × 13 करो कितना आएगा 44 × 13, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 1 × 13 4 × 4 = 2, 4 × 3 = 7, 5, 572 आ रहा है, कितना रहा है, तो आंसर हुआ 572। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को लिखते हैं स्क्वायर में, और दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ये रहा आंसर, ठीक है। और ये सब का फोटो हम अपना टेलीग्राम, मेरा चैनल है जयदेव क्लास, उस पर डाल देंगे, तो वहाँ से आप लोग ये सब फोटो को प्राप्त कर सकते हैं और इस देख कर लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, बोल रहा है 3 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घन, एक यानी घन का क्या होता है, घन किससे बनता है, तो घन बनता है वर्ग से बनता है, वर्ग में क्या होता है सही भुजा बराबर होता है, तो घन भी बनता है किससे, घन भी बनता है वर्ग से बनता है, तो घन का भी सही भुजा क्या होगा बराबर होगा, सही भुजा क्या होगा बराबर होगा, ठीक है ना, ये घन है, ठीक है ना। और इसका भुजा दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है कितना 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर किनारे यानी 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन को एक सीध में रख कर एक घना बनाया गया है, तो इस घना का कुल परिक्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि 3 ठो घन है, उसको तीनों को सटा कर रख दिए हैं, तो ये घना बन गया है, तो घना घना का कुल परिक्षेत्रफल बताना है, तो एक घन हुआ, दूसरा घन सटाते हैं, इसमें हम दूसरा घन सटा रहे हैं, दूसरा घन सट गया, लेकिन बोल रहा है 3 घन सटा रहे थे, घन और सटाना पड़ेगा,
घन सट गया। और इसका भुजा का लंबाई कितना है? तीन, तो यहाँ तीन होगा। फिर कितना है? तीन, तो यहाँ तीन होगा। फिर कितना है? तीन, तो यहाँ तीन होगा। तो ये तो लंबाई कितना हो गया? लंबाई इस प्रकार हो गया, तीन तीन छः तीन नौ, लंबाई हो गया 9 सेंटीमीटर। लेकिन आप देखते हैं चौड़ाई, तो ये हुआ लंबाई और ये हुआ चौड़ाई। चौड़ाई सट रहा था क्या? चौड़ाई बढ़ा था? नहीं बढ़ा। यहाँ भी चौड़ाई उतने ही रह गया, यहाँ भी चौड़ाई, चौड़ाई नहीं बढ़ रहा है। देखो चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, दो घन को ये घन और ये घन सटा भी दिए तो चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं, ये घन और ये घन सटा दिए चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं, यानी चौड़ाई जो है मेरा वो 3 सेंटीमीटर ही रहेगा। अब ऊंचाई की बात करते हैं, ये क्या है ऊंचाई? देखो ये वाला घन, ये वाला घन और ये वाला घन को सटा दिए तो ऊंचाई भी नहीं बदला है। फिर ये वाला घन का ये ऊंचाई और ये वाला घन का ये ऊंचाई सटा दिए तो ऊंचाई भी नहीं बदला है, तो ऊंचाई भी रह जाएगा 3 सेंटीमीटर। यानी आप लोग को याद क्या रखना है कि जब भी एक दो या दो से अधिक घन को एक साथ सटा कर रखते हैं तो उसका लंबाई में सिर्फ परिवर्तन होता है, चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ गए कि जब दो या दो से अधिक घन को सटा कर रखते हैं तो उसका लंबाई में सिर्फ परिवर्तन होता है, चौड़ाई ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लंबाई में कितना परिवर्तन होगा? तो जितना घन को सटाए हैं उसका सब भुजा को जोड़ देना है, ठीक है ना। अब बोल रहा है क्या कि घनाभ का कुल परिक्षेत्रफल ज्ञात करें, तो घनाभ का कुल परिक्षेत्रफल आप लोग जानते हैं, सूत्र क्या होता है घनाभ का कुल परिक्षेत्रफल का? घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो 2 × LB यानी लंबाई गुना चौड़ाई, BH यानी चौड़ाई गुना ऊंचाई, HL यानी ऊंचाई गुना लंबाई, ये होता है। तो 2 × 2 L कितना है? 9 9। बी कितना है? 3। बी कितना है? 3। एच कितना है? 3। और गुना एच कितना है? 3। L कितना है? 9। बस सोल्व करो, 9 × 27 3 × 3 9, 9 × 27 27 × 27 54, 54 × 9 63। तो 2 × 63 63 × 2 करेंगे तो 3 × 2 = 6 और 6 × 2 = 12 तो 26 सेंटीमीटर में है। तो क्षेत्रफल होता है स्क्वायर में सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा आंसर, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सिर्फ समझने का क्वेश्चन था कि समझ लो और बन गया। अगला नंबर क्वेश्चन यही है 38 का 2 है, उसी प्रकार है, बता देते हैं 38 का 2। ये समझ गए आप लोग? तो ये है मेरा 38 का 2। 38 का 2 में क्या बोला है? दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर³ है को सिरा से सिरा सटा कर रखने से बने घनाभ का परिक्षेत्रफल क्या है? फिर वही है, जब दो या दो से अधिक घन को सटा कर रखते हैं तो उसका लंबाई में से परिवर्तन होता है, चौड़ाई ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? वो बता देते हैं चित्र के माध्यम से हम, ठीक है ना। तो बोल रहा है दो घन है, बना देते हैं। घन बनता है किससे? वर्ग से। वर्ग का सही भुजा बराबर, इसलिए घन का भी सही भुजा बराबर होता है। और इसमें आप एक घन सटा रहे हैं, ठीक है ना, एक घन सटा रहे हैं, सटा दिए हैं। अब दोनों का आयतन, इसका भी आयतन बोल रहा है, इसका भी आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर³ और इसका भी आयतन है 64 सेंटीमीटर³। तो बोल रहा है कि दोनों को सटा के रख दिए तो ये क्या बन गया? ये बन गया आप घनाभ, ये क्या बन गया है? घनाभ। तो इस घनाभ का कुल परिक्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है ना, घनाभ का परिक्षेत्रफल क्या होगा? तो पहले हम जानते हैं घन का आयतन बराबर होता है क्या? भुजा क्यू। घन का आयतन बराबर भुजा क्यू बराबर कितना? 64। भुजा क्यू बराबर 64। तो भुजा निकाल लो, भुजा कितना होगा? भुजा होगा 64 के घनमूल कर दो इधर आएगा तो क्या होगा? घनमूल हो जाएगा। 64 का घनमूल करेंगे कितना होगा? 64 का घनमूल होगा 4। तो भुजा हो गया 4। अब बताए थे अभी कि लंबाई ये भी 4, इतना लंबाई 4, फिर यहाँ बढ़ गया 4, तो लंबाई कितना हो गया? 4 × 4 = 8। चौड़ाई बदलता है क्या? चौड़ाई नहीं बदलता, 4 ही रहेगा। ऊंचाई बदलता है क्या? नहीं बदलता, ऊंचाई 4 ही रहेगा, ठीक है ना। देखो चौड़ाई बदला है, नहीं बदला है, यहाँ देखो ऊंचाई बदला है क्या? नहीं बदला है, ठीक है ना। तो अब क्या बोल रहा है? इसका ये बन गया घनाभ, तो घनाभ का कुल परिक्षेत्रफल, तो फिर वही करना है, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का कुल परिक्षेत्रफल क्या होगा? तो सूत्र आप लोग जानते हैं 2 × LB + BH + HL यानी लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई गुना लंबाई। ऐसा सोल्व करो, 2 लंबाई कितना है? 8। चौड़ाई कितना है? 4। चौड़ाई कितना है? 4। ऊंचाई कितना है? 4। फिर जो ऊंचाई 4 और लंबाई 8, 8 × 32 416, 832, 32 × 64 64 में 16 जोड़ो तो 2 × 64 में 16, 6 × 4 = 10 6 × 1 = 7 × 8 80। तो 80 × 160 और ये क्या है? क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को लिखते हैं स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब रखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 काफ़ी ईजी है, सिर्फ क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है।
बोरा एक तंबू के आकार नीचे से वृत्तीय बेलन का है और ऊपर से उसी आधार पर से सममितीय शंकु का है, ठीक है ना। ये नीचे से है बेलना का, देखो बना रहा है हम, यहाँ पर देखना है आप लोग को, तंबू, बरसात के दिन में जो तंबू लगाते हैं जो घुमक्कड़ लोग होते हैं, देखे होंगे आप लोग, तो उसका तंबू बेलनाकार नहीं होता, उसका डायरेक्ट शंकुआकार होता है। तो नीचे से क्या है बेलनाकार और ऊपर से इसी आधार पर शंकुआकार है, इस प्रकार का तंबू है, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है कि शंकु का बेलन का व्यास 4 मीटर है, इसका व्यास कितना है 4 मीटर, शंकु के बेलन का व्यास, तो सॉरी बेलन का व्यास 4 मीटर, तो बेलन का व्यास 4, तो इसका भी आधार तो वही है ना, तो शंकु का व्यास भी क्या होगा 4, यानी दोनों का व्यास बराबर हो गया, तो दोनों का त्रिज्या त्रिज्या भी क्या होगा बराबर होगा, यानी बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या बराबर होगा, क्योंकि दोनों का आधार समान है 4 इसका, तो इसका भी व्यास 4, तो दोनों का त्रिज्या भी बराबर होगा, त्रिज्या कितना होगा 4 के आधा यानी 2 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है क्या बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर, बेलनाकार भाग यानी बेलन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इसका ऊंचाई है 2.1 मीटर, इसका ऊंचाई कितना है 2.1 मीटर, एवं जबकि शंकु की तिरछी ऊंचाई 2.8 है, तिरछी ऊंचाई बात कर रहा है, ये वाला तिरछी ऊंचाई, ये कितना है 2.8 मीटर, 2.8 मीटर है। अब क्या बोल रहा है तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल निकालिए, यानी इसमें कितना कैनवास, उसको बनाने में इस तरह घर बनाने में कितना कैनवास लगाए कि उसका क्षेत्रफल निकालना है, और 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कैनवास का मूल्य निकालिए, यानी 1 मीटर स्क्वायर कैनवास लगाने में 500 रुपया लगा है, तो कितना रुपया खर्च हुआ होगा इसको बनाने में, तो जितना इसका मीटर स्क्वायर जितना आएगा इस कैनवास का क्षेत्रफल उसमें 500 गुना कर देंगे तो कुल खर्च निकल जाएगा, ठीक है ना, तो वही करना है। सॉरी, तो कैनवास का कुल क्षेत्रफल, कैनवास का कुल क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है जो हमको दिखाई देता है, क्या दिखाई देगा, तो ये बेलनाकार जो है कैनवास ये दिखाई देगा, ठीक है ना, ये बेलनाकार कैनवास ये दिखाई देगा, नीचे तो चदरा नहीं लगाएगा, नीचे तो जमीन है, तो ये सिर्फ दीवार दिखाई दे रहा है, तो दीवार क्या होता है वक्र क्षेत्रफल, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल। अब इस शंकु को देखेंगे तो शंकु में यहाँ जो लगा हुआ है चदरा यानी दीवार जो लगा हुआ है सिर्फ वो दिखाई देगा, यहाँ तो नहीं लगाएगा, यहाँ चदरा तो नहीं लगाएगा क्योंकि यहाँ खुला रहेगा यहाँ से यहाँ तक, तो सिर्फ दीवार में लगाएंगे चदरा, तो दीवार क्या होता है वक्र क्षेत्रफल, यानी शंकु का वक्र क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा। अच्छा बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र क्षेत्रफल होता है 2πRh, शंकु का वक्र परिक्षेत्रफल क्या होता है πRL होता है, और देखो टू यहाँ यहाँ देखो यहाँ पर πR और πR कॉमन हो रहा है, πR कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 2H और यहाँ बचेगा L, ऐसे सॉल्व करो तो पाई का मान कितना होता है 2/7, R के मान कितना है तो R का मान निकाले हैं हम 2, यहाँ लिखेंगे 2, और 2 का 2H कितना था तो बेलन की ऊंचाई था 2.1, तो 2.1 और प्लस का प्लस एल कितना था, तेजा कुछ कितना था शंकु का था 2.8, ऐसे सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर क्या आएगा 2/7 का यहाँ पर 2×2=44 और 7 का 7, और 2.1 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ होगा 4.2 और जोड़ 2.8। अब इसको हम यहाँ सोल्व कर रहे हैं, इसको हम यहाँ सोल्व कर रहे हैं ये वाला भाग को, तो देखो चवालीस बटा सात का 44/7, और वो 4.2 में हम जब 2.8 जोड़ेंगे, 4.2 में जब हम 2.8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7.0 हो जाएगा, तो 7.0, पॉइंट के बाद जीरो का मान नहीं होता है कुछ, तो 7 से 7 खत्म, कितना आ रहा है 44 मीटर स्क्वायर, यानी 44 मीटर स्क्वायर इस तंबू को बनाने में 44 मीटर स्क्वायर कैनवास लगा था। अब बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का खर्च था 500 रुपये, तो 44 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना पड़ेगा, तो खर्चा बराबर, तो जब 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का खर्च 500 रुपये, तो 44 मीटर का कितना, तो 44 गुना 500 करो तो आएगा 2200 रुपये,
22,000 गुना करो, 44 गुना 5 करेंगे तो 220 और 00 00 तो 22,000 रुपया खर्च आएगा। तो यही रहा आंसर, कितना खर्च आएगा, 22,000 रुपया। अब 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन फिर बड़ा है, इसमें भी लगभग हमको समझाने में ज़्यादा टाइम पार हुआ, क्वेश्चन बड़ा नहीं इसमें समझाना मेन है, तो इसको समझाएंगे तो लगभग 20 मिनट हमको लगेगा ये बताने में अच्छी तरह से। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डालेंगे क्वेश्चन नंबर 40। तो आज इतना ही रखते हैं, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी भेजें के पास भी शेयर करें, जिससे कि वो भी लाभ प्राप्त कर सके। ये नहीं सोचे कि मेरा दोस्त भी इस चैनल के बारे में जान लेगा और वो भी लाभ प्राप्त कर लेगा, ऐसा सोचना अच्छी बात नहीं है। तो अपने दोस्तों को भी इस पर शेयर करें अधिक से अधिक दोस्तों के पास, और बताएं चैनल के बारे में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, थैंक्स।